मैथ्स इन इजी वे शैलेंद्र सिंह। सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग आज हाई स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए टॉपिक लेकर पुनः उपस्थित हैं। हम सभी लोग इससे पहले हाई स्कूल के ही कई टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। 10th क्लास के इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 7 भी पढ़ लिया है और उससे संबंधित जो भी सिद्धांत थे वो पढ़ लिए। आज हमारा त्रिकोणमिति का जो चैप्टर, इससे पहले भी हमने त्रिकोणमिति से संबंधित सिद्धांत हैं, जो नियम हैं, उनको हमने पढ़ा है, समझा है, और त्रिकोणमिति टेबल इत्यादि हमने पढ़ लिए हैं। तो अब क्या करना है, उसी नियमों सिद्धांतों से संबंधित जो हमारे एक्सरसाइज के जो प्रश्न हैं उनको हम उसी आधार पर हल करते जाएंगे। तो आज इसी क्रम में सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन, इसी तरह से हम आपको सभी एक्सरसाइज और भी बताते समझाते चले जाएंगे। तो 8.1 का पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या रखा है, देखिए एक ट्रायंगल है एबीसी, उसमें कोण बी कितना दे रखा 90, ए बी जो साइड है वो कितनी है 24 सेंटीमीटर है, बी सी कितनी है 7 सेंटीमीटर है। क्या करना क्या है, करना हमको ये है कॉस साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, साइन सी कॉस सी की वैल्यू, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनकी सबकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो कैसे वैल्यू निकालेंगे इनकी सबकी वैल्यू, सबसे पहले देख लीजिए ट्रायंगल में जो दे रखा पहले हमने वो लिख लिया, ट्रायंगल बना लिया हमने, लेकिन अगर किसी की वैल्यू चाहिए हो हमको, तो कोई भी राइट एंगल हमारा जो होता है संपूर्ण त्रिभुज, उसकी सभी भुजाएं हमको जब पता हो तभी हम सभी ये त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू निकाल पाएंगे। ये आप जानते हैं क्या होता है, ये बेस होता है, मतलब जिसको हम आधार कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या मान लेते हैं, ये लंब है, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, लंब। और ये क्या होता है, कर्ण होता है, और कर्ण को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, कर्ण, ठीक। अब पहले तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के इस त्रिभुज में इस साइड निकाल लेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, हाइपोटेनस है, एच स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, मतलब बेस, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर। कर्ण आपके पास में नहीं है तो आप निकालना है, इस साइड कितनी देखिए, कर्ण कितना दे रखा है, ए सी दे रखा है, आधार बेस कितना है, बी सी है, परपेंडिकुलर अर्थात लंब कितना है, ए बी है, ए सी की वैल्यू हमको निकालनी है, बी सी का मान हमारे पास देखिए कितना है 7 सेंटीमीटर, ये कितना है 24 सेंटीमीटर, ए सी स्क्वायर ये हम 49 हो जाएंगे, इनका हम स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएंगे हमारे 576 बन जाएंगे, हम दोनों वैल्यू को जोड़ लेंगे तो कितनी आ जाएंगे हमारे पास 25 आ जाएगी, 625। ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट इतना हो जाएगा, तो ए सी का मान हमारे पास आ गया 25 सेंटीमीटर, ए सी का मान हमको 25 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, जो वैल्यू हमसे पूछी गई है उन वैल्यू को क्रम से निकालते जाना है। जैसे पहली पहली हमारे पास देखो साइन ए निकालना है हमको, साइन ए आप जानते हो फार्मूला आपका क्या है, इस तरह से आप लिख लीजिए, और हमने समझा भी रखा है, आपको बता भी रखा है, क्या होता है पी बी, पी बी पी अपान एच एच बी। कभी कभी हम सब छात्र छात्राएं यूपी बोर्ड के हैं तो हम कभी एल लाल बटे कक्का भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप चाहे ऐसे पहचान लीजिए जैसे आपको सही समझ में आए वैसे आप लिख लीजिए। तो ये लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार, पी बी पी अपान एच एच बी। तो साइन का मतलब क्या हुआ, साइन का मतलब हुआ पी अपान एच अर्थात लंब बटे कर्ण, तो पी अपान एच हुआ। अब पी का मतलब, अब एक चीज और ध्यान रखना, जैसे मान लिया हमने साइन ए, कोण को देखकर बेस लिया जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना, कर्ण नहीं बदलेगा आपका, ध्यान रखिए संपूर्ण त्रिभुज में जब भी आप त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे तो कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण आपका वही रहेगा, लंब और आधार कोण के हिसाब से क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। तो इसमें देखिए ए, अगर हम आधार, अगर कोण ए लेकर चलेंगे तो आधार हमारा क्या बन जाएगा, ये वाली भुजा हमारी आधार बन जाएगी बेस, और दूसरी भुजा क्या बन जाएगी, लंब बन जाएगी परपेंडिकुलर, फार्मूला आपका वही रहेगा। अब आधार में लेके चले हैं तो देखिए साइन ए कोण लेके चल रहे हैं तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, हिंदी में इसको कहते हैं लंब बटे कर्ण, और वैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जैसा आप समझ पाए।
तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था लंब बटे कर्ण, लंब देखिए क्या हो गया बीसी, और कर्ण क्या है एसी है, जो आपने निकाल लिया कितना है 25 आया। बीसी की वैल्यू हमारे पास 7 है और एसी की वैल्यू कितनी है 25 है। इस तरह से साइन ए का मान आपका निकल गया 7/2। ऐसे मान लिया हमको कॉस ए का वैल्यू निकालना, तो कॉस ए का फॉर्मूला बी अपान एच अर्थात आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण हो गया बी अपान एच हो गया, बेस अपान हाइपोटेनस, तो बी हमारे पास बेस है, तो बेस तो हमारे पास जहां कोण वही बेस, तो कितना हमारे पास है देखिए इसका नाम ए बी है और हाइपोटेनस कितना हमारे पास देखिए कितना है कॉस ए, कॉस ए ले रहे हैं और बेस हमारे पास देखिए कितना हो गया है 24 हो गया है और इसका हाइपोटेनस वही एसी रहेगा ये बदलेगा नहीं, तो 24 अपान एसी की वैल्यू कितनी आई 25 आ गई। ये दोनों वैल्यू आपने निकाल ली, ये फर्स्ट वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। सेकंड वाला निकालना है तो सेकंड वही है साइन बराबर लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। अब साइन सी लेके चलना है तो यही समझ लीजिए, जैसे ही आपने साइन सी ले लिया अब बेस वही माना जाएगा जहां हम एंगल लेके चल रहे हैं, तो अब ये बेस हो गया, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, बेस हम लेके चलेंगे तो साइन का फार्मूला बदलेगा नहीं, साइन साइन सी मतलब अर्थात साइन बराबर क्या होगा वही परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस पी अपान एच, और पी मतलब परपेंडिकुलर अर्थात ए बी और एच में हाइपोटेनस अर्थात ए सी, दोनों मान रखिए ए बी की वैल्यू हमारे पास देखिए कितनी है 24 है, ए सी की वैल्यू कितनी है 25, ये निकल गया साइन सी। ऐसे हमको कॉस सी निकालना है तो कॉस सी की वैल्यू हमारे पास देखिए कितनी है, पहले तो फार्मूला लिखो आधार बटे कर्ण अर्थात बेस अपान हाइपोटेनस, बेस हमारे पास कितना है जब हम लेके चल रहे हैं तो बेस हमारा बी सी हो जाएगा, हाइपोटेनस हमारा कितना वही रहेगा ए सी अर्थात बी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है देखिए बी सी की वैल्यू हमारे पास 7 है, इसकी वैल्यू कितनी है 25, ये दोनों वैल्यू आपने निकाल ली, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड में क्या तक दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में देखिए tan p माइनस cot r की वैल्यू निकालनी है, जबकि एक ट्रायंगल दे रखा है वो भी कैसा है राइट एंगल अर्थात 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे देखिए, तो सबसे पहले इसमें देखिए परपेंडिकुलर अर्थात लंब हाइपोटेनस अर्थात कर्ण दे रखा है और हमारे पास ये बेस नहीं है ठीक है, तो इसी सिचुएशन में देख लीजिए इसको हम मान लिया परपेंडिकुलर मान लिया, ये हमारा बेस हो गया ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, तो फिर से वही लंब पाइथागोरस लगा देंगे, तो पाइथागोरस के हिसाब से हम क्या निकालना पड़ेगा पाइथागोरस, तो पहले देख लीजिए अगर हमको जैसे मान लिया जो टेन और काट की जो वैल्यू निकालते हैं उसमें फार्मूला क्या होता है आपका बेस और परपेंडिकुलर अर्थात हाइपोटेनस की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती, देखिए अगर हमको बेस चाहिए और परपेंडिकुलर चाहिए है तो हाइपोटेनस की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन हाइपोटेनस यहाँ दे रखा है बेस हमें नहीं दे रखा, तो इसकी सहायता से हम क्या करेंगे सबसे पहले बेस निकाल लेंगे, लेकिन लगानी पड़ेगी आपको भी पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी, तो पाइथागोरस प्रमेय का रूल वही होता है क्या कर्ण की घात 2 अर्थात पी आर स्क्वायर बराबर लंब की घात 2 लंब हमारे पास पी क्यू है और प्लस आधार घात 2 आधार पी आर देखिए वैल्यू कितनी है 13 है, पी क्यू की वैल्यू 12 दे रखी है, क्यू आर हमको पता नहीं है 169 हो गए, ए 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर इसको इधर ला के घटा देंगे तो क्यू आर स्क्वायर इनको घटाने पर हमारे पास 25 प्राप्त हो जाएंगे, तो क्यू आर की वैल्यू जब निकालेंगे तो इस पर 25 पे क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट अर्थात अंडर रूट लग जाएगा और क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, ये 5 सेंटीमीटर वैल्यू प्राप्त हो गई। अब देखिए पहले तो टेन पी निकालना है, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम टेन पी, तो टेन पी जब निकालेंगे तो पी का फार्मूला हमको टेन पी का फार्मूला पता होना चाहिए, लंब बटे क्या होता है आधार होता है अर्थात बी अपान परपेंडिकुलर अपान बेस, तो यहाँ पर जब टेन पी ले लिया तो जैसे हम पी लेंगे तो जो एंगल हम जो लेंगे वही हमारा क्या बन जाता है बेस बन जाता है, तो अर्थात इस स्थिति में टेन पी की स्थिति में ये तो हो जाएगा बेस आधार और ये क्या हो जाएगा लंब अर्थात परपेंडिकुलर, तो देखिए
तो वही फार्मूला होता है पी अपान बी अर्थात क्यू आर अपान पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू हमारे पास देखिए 5 दे रखी है और पी क्यू की वैल्यू हमारे पास 12 दे रखी है। कॉट आर निकालना है आपको, तो कॉट आर निकालेंगे तो कॉट आर में देखिए फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब उल्टा हो जाता है इसका, तो बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस देखिए अब आर जैसे लिया आपने, समझ लीजिए जहां पर आपने एंगल ले लिया वही बनता है हमेशा बेस, ये बात ध्यान रखना। जिस चीज को कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, जिस एंगल को आप लेंगे वही एंगल क्या बन जाता है, बेस बन जाता है, तो वही आधार बन जाता है। तो आधार अब क्या हो गया क्यू आर, और आपका लंब क्या बन गया परपेंडिकुलर पी क्यू बन गया। तो हमारे पास बेस क्यू आर है और परपेंडिकुलर अर्थात ये पी क्यू हो गया लंब। क्यू आर की वैल्यू हमारे पास 5 है, इसकी वैल्यू कितनी है 12 है। ठीक, अब क्या करना है हमको, जो हमको वैल्यू पूछी गई थी, अब हमको हमसे पूछा गया था टेन पी माइनस कॉट आर की मान हमको निकालना था। तो टेन पी की वैल्यू हमने निकाली है 5/12 और इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली है 5/12। ये सेम वैल्यू है, दोनों को घटा दिया तो घटाने पर वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन का सेकंड आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सेकंड क्वेश्चन। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। नंबर थर्ड में देखिए इसी एक्सरसाइज के, इसमें क्या करना है, इसमें साइन ए की वैल्यू दे रखी है, कॉस ए टेन ए हमको ज्ञात करना है। तो इजी क्वेश्चन है, इसको हम इसी तरह से कर लेंगे। तो साइन ए की जो वैल्यू दे रखी है, तो साइन ए इज इक्वल टू 3/4 लिख लिया। अब जानते हो साइन इज इक्वल टू क्या होता है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, अर्थात परपेंडिकुलर लंब बटे कर्ण अर्थात परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, हमको और दूसरी भुजा भी चाहिए इसकी, तो आप एक ट्रायंगल ऐसे बना लीजिए और इस तरह से हमेशा ध्यान रखना ट्रायंगल बनाते समय जो एंगल यहाँ पर दे रखा है उसको कभी यहाँ पर 90 वाले मत दिखाना। तो जैसे आपने ए दे रखा है तो हमने दिया ए बी सी, ठीक, ए एंगल यहाँ पर 90 ना बनाना आप। अब क्या होगा, तो जानते हैं साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब देखिए इस स्थिति में लंब आपका क्या होगा, आधार तो ही हो जाएगा बेस, और लंब क्या होगा, ये होगा लंब हो जाएगा, कितना दे रखा है 3 दे रखा है, और जो कर्ण है हाइपोटेनस है वो कितना दे रखा है 4 दे रखा है। ठीक, तो अब आप जानते हैं यहाँ पर हाइपोटेनस है कर्ण है, तो अब एक साइड हमको नहीं मालूम है तो पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग कर लेंगे और ये जो हमको नहीं दे रखी है वो हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। कर्ण हमारे पास देखिए कितना दे रखा है 4, बीसी लंब है दे रखा है 3, आधार ए बी हमको ज्ञात करता पता नहीं है, ए इसका स्क्वायर कर दिए 16 हो जाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएंगे, 16 में से 9 घटा देंगे तो ए बी स्क्वायर बन जाएगा, घटाने बचे 7, ए बी इजकल टू हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 7। ए बी इजकल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट 7 आ गया, हमने जब स्क्वायर रूट इसका ले लिया, या तो आप एक बार इसे दिखा दीजिए तो 7 इधर लिख दीजिए और इस पर अंडर रूट लगा देना इस पर 7 पे, तो हमारा अंडर रूट 7 इसकी वैल्यू आ गई। वैसे स्क्वायर रूट देते हैं तो प्लस माइनस होते हैं, क्योंकि यहाँ प्रथम चतुर्थांश के लिए है ए, वैसे हमारे स्क्वायर रूट क्या आता है प्लस माइनस आता है, लेकिन यहाँ पर ए एक पहले चतुर्थांश के ही लिए सब है, तो पहले चतुर्थांश में सब प्लस होते हैं, हम आपको पहले बता चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर प्लस ही लेते हैं इसकी वैल्यू को। अब जो मान हमसे पूछा गया वो मान हम निकाल लेंगे, क्या कॉस पूछा गया, कॉस ए आप जानते हो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है अर्थात बेस अपान हाइपोटेनस होता है। बेस हमारे पास देखिए ए लेके चले तो बेस तो यही रहेगा, यही वाली भुजा आपकी बेस होगी, और जो कि कितनी आई अंडर रूट 7 आई है। ठीक, तो अब लिखिए आप आधार बटे कर्ण ए सी जो कि कितना है अंडर रूट 7/4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हमको मान लिया टेन ए निकालना है, तो टेन इजकल टू और लंबटे का आधार होता है, लंबटे आधार अर्थात लंब हमारे पास देखिए क्या है परपेंडिकुलर, और ये हमारा आधार मतलब बेस,
तो BC हमारे पास लंब हो गया, और आधार हो गया हमारे पास AB, और BC की वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है अंडर रूट 7। इस तरह से ये दोनों वैल्यू जो आपको निकालनी थी वो आपकी दोनों वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखिए कभी कभी इस तरह से हम क्वेश्चन कर तो देते हैं, लेकिन इसमें सबसे विशेष महत्वपूर्ण बात ये होती है, जैसे किसी का जब रेशियो दे रखा होता है तो उस रेशियो को हम तब अलग कैसे, मान लिया हमारे पास ये रेशियो दे रखा है साइन ए, कितना दे रखा है साइन ए, तो साइन ए अगर हमारे पास दे रखा है तो 3/4 दे रखा है। देखिए रेशियो को आप जब अलग करते हैं, जैसे हमने अभी देखा AC की वैल्यू हमने 4 लिख ली, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना रेशियो को अलग करने पर हम कोई ना कोई कॉन्स्टेंट ले लेते हैं। ऐसे मान लिया हमने BC की वैल्यू 3 लिख दी, तो रेशियो था तो BC इक्वल टू हमने लिखना था 3 के। इसके बाद ये सब इतना लिखने के बाद में जब आप यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे तो 4K का स्क्वायर करेंगे, इस तरह से आप जब मतलब कई मान जब आप निकाल लेंगे तो हमेशा ध्यान रखना इस तरह से अगर निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रेशियो को अलग करते समय कोई ना कोई कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लिया रेशियो लेकर हम करते हैं, वैल्यू हमारी इतनी आएगी, रेशियो को हमेशा आप ऐसे ही क्वेश्चन करें। ये पहला तरीका हमने आपको इसलिए बताया कि मोस्टली ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही कर देते हैं, लेकिन रेशियो को अलग हमेशा करते समय एक महत्वपूर्ण बात रखी जाती है, रेशियो आपका डायरेक्ट अलग नहीं होगा, किसी न किसी कांस्टेंट के साथ ही अलग होता है। जैसे मान लिया हमने AB की वैल्यू इतनी ली, ABC की वैल्यू इतनी ली, और फिर से हमने मान लिया पाइथागोरस लगा दी, AC² BC² तो AC की वैल्यू जैसे हमारे पास 4K है, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 16K² हो जाएगा, 3K है तो 9K² हो जाएगा, ऐसे जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे घटाने पर 7K² आ जाएगा, और AB इजकल टू अगर लेंगे तो अंडर रूट 7K² AB इजकल टू अंडर रूट 7 और इधर K। अब हमको क्या करना है, जैसे मान लिया कॉस ए की वैल्यू लेनी है हमको, तो कॉस ए की वैल्यू तो इतनी बनेगी, लेकिन फिर भी इस रेशियो को अलग करने के लिए आप कॉन्स्टेंट लेके ही चलें, यही तरीका सबसे सही रहता है। जैसे AB अपान AC लिखना हमको, AB अपान AC, AB की वैल्यू देखिए अंडर रूट 7K और इधर 4K, कैंसिल किया तो अंडर रूट कितना आया 7/4 आया। मान लिया हमको टेन ए की वैल्यू निकालना है, तो टेन ए की वैल्यू जब निकालेंगे तो BC/AB करेंगे, BC की वैल्यू कितनी है देखिए 3K है, और इसकी कितनी है अंडर रूट 7K, तो 3/7 आया। तो हमेशा ध्यान रखें जब कांस्टेंट खाली दे रखा हो, एक्यूरेट वैल्यू ना दे रखी हो किसी साइड की किसी वजह की, तो हमेशा किसी न किसी कांस्टेंट को लेकर ही उसको सॉल्व करें, ये ज्यादा अच्छा रहता है, बिल्कुल सही भी है। इस क्वेश्चन में देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ इतना दे रखा है और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप जानते हो जैसे कॉट ए इक्वल टू हम निकालें 8/4 हो जाएगा, कॉट ए इक्वल टू 8/4 हम इसको लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर 15 दे रखे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर 15 करेंगे, ठीक 15 होगा। फिर से भाई हमने कहा कॉट इजकल टू क्या होता है आपका, कॉट इजकल टू होता है अभी लाल बटे कक्का से देखें, या PVP BP/HHB से देख लें, तो काट बराबर क्या होता है 10 की अपोजिट वैल्यू होती है, उल्टी वैल्यू होती है 10 की, 10 बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो इसका क्या होगा आधार बटे लंब हो जाएगा, तो आधार बटे लंब का अर्थात बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब देखिए हम बेस को अलग करना चाहें तो बेस बराबर हमारे पास हो जाएगा 8K, ये ध्यान रखना, परपेंडिकुलर अर्थात लंब बराबर हो जाएगा 15K, तो रेशियो को हमेशा ध्यान रखना किसी न किसी कोई भी हम चर राशि ले लेते हैं जिसको सापेक्ष मानकर हम उसको अलग अलग कर देते हैं। काट ए है तो ए एंगल हमने इसको क्या दिखा दिया, इसको हमने बी एंगल दिखा दिया, और ये एंगल हमारा सी हो गया, आधार बटे लंब, ठीक है, आधार हमारे पास देखिए कोण ए के हिसाब से तो आधार हमारे पास 8K हो गया, लंब क्या हो गया हमारे पास 15K हो गया, हमको क्या निकालना है कर्ण ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे और हमारे कर्ण प्राप्त हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण की घात 2 अर्थात हाइपोटेनस की घात 2 प्लस बेस अर्थात आधार AB की घात 2 प्लस BC की घात 2 ये परपेंडिकुलर हो गया। AC की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, पता नहीं है, AB की वैल्यू हमारे पास देखिए 15K है, ठीक है,
और बी सी की वैल्यू हमारे पास 8 की है, तो हम जब इनका स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 225 के स्क्वायर और ये हो जाएगा इतना, टोटल कर लेंगे इनको 225 और प्लस 64 के जो हमारा आया है इसको जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा 289 के स्क्वायर बन जाएगा। इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, अंडर रूट 289 के स्क्वायर, और 289 आप जानते हो किसका होता है, इसका स्क्वायर रूट इसका वर्गमूल कितना होता है, 17 होता है, तो 17 हो जाएगा और इसके स्क्वायर का के, अर्थात हमको हाइपोटेनस अर्थात कर्ण हमको मिल गया 17 के। अब जो वैल्यू हमसे पूछा गया उसी वैल्यू का हम जवाब देने के, जैसे साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर लंब बटे कक्का या पी बी पी अपान एच एच बी से देख लीजिए, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है अर्थात परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। यहाँ पर देखिए एंगल ए को अगर मानकर एंगल ए हम लेके चलें तो एंगल ए के हिसाब से ए बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस हमारे पास तो परपेंडिकुलर, देखिए लंब बटे कर्ण, लंब हो गया हमारे पास बी सी और कर्ण क्या हमारे पास ए सी, वैल्यू रखी बी सी की वैल्यू 15 के है और उसकी ए सी की वैल्यू 17 के है, इनको कैंसिल कर दिया तो साइन ए इजिकल टू आपके पास मिल गया 15/17। ऐसे मान लिया हमको सेक निकालना है, तो सेक यहाँ पर देखिए कॉस का अपोजिट होता है उल्टा होता है, तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है, अर्थात बेस अपान हाइपोटेनस कॉस बराबर होता है, तो कर्ण बटे आधार उल्टा हो जाएगा, मतलब हाइपोटेनस अपान बेस। अब इसमें देखिए सेक एक मतलब कोण एक ही हिसाब से बेस तो आपका वही रहेगा ए बी और हाइपोटेनस अर्थात ए सी, तो बेस हमारे पास 8 के है और हाइपोटेनस ए सी कितनी 17 के है, इनको कैंसिल आउट कर दीजिए तो सेक ए की वैल्यू आपने प्राप्त कितनी 8/17। इस तरह से एक क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उल्टे आपने 10 निकाल लिया तो ये कितना हो जाएगा, कॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/5 ये निकल गई। ऐसे मान लिया आपको सेक की वैल्यू निकालनी है तो सेक किसका उल्टा होता है साइन का, क्योंकि यहां पर साइन थीटा होता है, ये क्या होता है कॉसिक थीटा होता है, और ये क्या होता है सेक थीटा होता है, और ये क्या बन जाता है आपका कॉस थीटा होता है, इसको हम टेन लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं कॉट लिखते हैं। अब साइन निकालना है कॉसिक उल्टा होता है तो इसी वैल्यू को लिख दीजिए, तो कॉसिक थीटा इक्वल टू डायरेक्ट नाम 13/5 लिख दीजिए। ऐसे मान लिया कॉस सेक निकालना है, सेक कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं उल्टे होते हैं, तो सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो गया, काटा निकालिए। क्षेत्र गुणमति अनुपात होते हैं, आपने एक पहले निकला हुआ था शेष आपने 5 निकाल लिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं 6 की तरफ, 6 में देखिए क्या करना है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसमें एक ट्रायंगल एबीसी दे रखा है जिसमें कहा कोण ए कोण बी कैसे हैं, न्यून कोण है, ठीक है ये न्यून कोण है। अब न्यून कोण है इसका मतलब एबीसी ट्रायंगल है तो ये सी वाला आपका समकोण रहेगा, और बाकी आप ए लिख दीजिए इसको बी लिख दीजिए। अब क्या सिद्ध करना है, इसमें एक चीज होती है कॉस है, कॉस भी बराबर भी दे रखे हैं और हमको ए इतना सिद्ध करके लाना है कि कोण ए बराबर कोण बी। कैसे इसको सिद्ध करेंगे देखिए क्या करना पड़ेगा हमको, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसको हल करने के लिए आप देखिए भुजाएं दे रखी हैं, सबसे पहले जो दे रखा हमको है क्या कॉस ए बराबर क्या दे रखा है कॉस बी। ध्यान क्या रखना आप लोगों को, हमने जो आपको बताया था जैसे मान लिया हम ए एंगल लेके चल रहे हैं तो एंगल ए के लिए आधार आपका यही रहेगा बेस यही रहेगा, ठीक, हाइपोटेनस बदलना नहीं, वो तो वैसा ही रहेगा जो है आपका, ठीक। अब ए परपेंडिकुलर हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो कॉस बराबर क्या होता है कॉस इजकल टू आपका होता है बेस अपान हाइपोटेनस अर्थात आधार बटे कर्ण, तो आधार देखिए क्या बन गया इसके लिए ए सी बन गया, ठीक, और कर्ण बन गया क्या ए बी बन गया। अब बात करते हैं कॉस बी की, जैसे हम कॉस बी लेंगे तो अब हमने ए वाला जब कोण ले लिया बी तो अब हमारे आधार लंब बदल जाएंगे, जहां पर कोण होता वही आधार बन जाता है, तो ये आधार बन गया ये क्या बन गया लंब बन गया परपेंडिकुलर, फार्मूला कॉस का वही रहेगा,
क्या? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस अर्थात आधार बटे कर्ण। अब बी के लिए आधार क्या हो गया? बीसी। ठीक, बी के लिए आधार बीसी हो गया और कर्ण का हमारा ए बी रह गया। ठीक, आप फार्मूला लिख भी लेना, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, अर्थात बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस से फार्मूला होता है। अब ए बी से भी कैंसिल आउट कर दीजिए तो ए सी इक्वल क्या हो गया? बी सी। अब देखिए कोई भी किसी भी त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो उन बराबर भुजाओं के सामने के कोण कैसे हो जाते हैं? बराबर होते हैं। ये भी हमारी प्रमेय है, तो इसलिए देखिए बी सी के सामने क्या है? कोण ए है, और ए सी के सामने क्या है? कोण बी है। तो कोण बी और इसमें कोण ए बराबर हुए। क्यों? आप देखेंगे समान भुजाओं के त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर इसमें 6 में आपका ये कंप्लीट हुआ। 7 में देखिए क्या करना है, इसमें कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8। हमको इसमें दो खंड याद करने हैं, एक तो इसकी वैल्यू निकालनी है साइन इसकी, और एक इस पद की वैल्यू निकालनी है। निकालने का तरीका देखिए आपका वही रहेगा, सबसे सरल जो मान दे रखा है पहले उसको लिख लीजिए आप। काट का मान दे रखा था 7/8 लिख लिया हमने। अब काट का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। देखिए आधार बटे लंब या बेस अपान परपेंडिकुलर हम कह लें, तो बेस अपान परपेंडिकुलर हो गया। इस आधार पर देखिए हमने त्रिभुज बनाया, ये हमने एंगल थीटा दिखा दिया, तो बेस हमारा हो गया, लंब हो गया और कर्ण हो गया। करना क्या है? 7/8। बेस देखिए कितना है? ए बी है। ठीक है, और हाइपोटेन्यूस अर्थात कर्ण कितना है इसका? इसमें देखिए फॉर्मूला गलत लिखा है, बेस अपान क्या है? परपेंडिकुलर, तो यहाँ पी लिख दीजिए। ठीक, तो परपेंडिकुलर था लंब हो गया, तो लंब हमारे पास कितना है? लंब हमारे पास बीसी है। ठीक, तो काट बराबर क्या होता है? लंब आधार बटे लंब। आधार ए बी है, लंब क्या है? बीसी है। अब देखिए दोनों रेशियो को अलग करना है, दोनों अनुपात को, तो डायरेक्ट आप ए बी बराबर 7 नहीं लिखना, 7x लिखो, क्योंकि अनुपात है, अनुपात को अलग करते हुए कोई ना कोई हम चौरासी साथ में ले लेंगे। ऐसे BC बराबर क्या लिखो आप? 8x। अब आप पाइथागोरस प्रमेय से पहले कर्ण ज्ञात कीजिए, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 हो जाएगा प्लस आधार की घात 2 हो जाएगा। कर्ण हमको ज्ञात करना है AC स्क्वायर, BC हमारे पास कितना दे रखा है? ये देखिए BC का मान हमने निकाला 8x निकाला, तो BC का हमने यहाँ पर 8x लिख दीजिए, और इधर इसका AB का कितना है? 7x लिखा है। अब हमको AC निकालना है, तो AC निकालने के लिए BC की वैल्यू 7x का स्क्वायर कर दिया हमने, AB का मान हमारे पास देखिए कितना है, इसका है 8x और ये 7x का स्क्वायर कर दिया। अब हम वर्ग करेंगे तो 64x स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 49x स्क्वायर हो जाएंगे। अब हम इनको जब जोड़ लेंगे तो हमारे पास कितना मान बन जाएगा? ये 13 बन जाएगा और 4 8 11 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इस तरह से मान हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो जो हमको मान मिले हैं जैसे हम इसका निकालना चाहते हैं, एसी का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 113x स्क्वायर, एसी बराबर अंडर रूट 113 ऐसे लिख दीजिए, एक्स हाँ एक्स का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, एसी निकल गया अंडर रूट 113x कर्ण आ गया। सबसे पहले हमें पहला खंड निकालना है, तो उस खंड के हम मान भी रख लीजिए। जैसे मान लिया हमको पहले खंड में साइन और कॉस रखना है, तो साइन की वैल्यू निकालिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब कितना है? 8x है, कर्ण कितना है? अंडर रूट 113x है, तो x हटा दीजिए 8/√113 ही रह गया। ऐसे मान लिया हमको कॉस थीटा की वैल्यू रखनी है, तो कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, अर्थात बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो आधार हमारे पास देखिए कितना है? 7x है, और कर्ण में वही लिखेंगे 113x, x काट दीजिए 7/√113, ये हमको इतना प्राप्त हो गया। अब जैसे हमें पहले खंड की वैल्यू निकालनी है, पहले खंड में हमारा देखिए 1 + sin θ और 1 − sin θ दे रखा है, ऐसे ही हमारे में इसमें 1 + cos θ
और 1 माइनस कॉस थीटा दे रखा है, दोनों वैल्यू रख लीजिए और इनको हल करिए। तो जब इनको हल करेंगे तो देखिए आप 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू देखिए 8 बटे अंडर रूट 113 दे रखा है, ऐसे हम कॉस इसकी यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर भी 8 बटे अंडर रूट 113 बटे में मान रख दीजिए इसको, कॉस की वैल्यू रखेंगे तो 1 प्लस है ना 7 बटे अंडर रूट 113, ऐसे यहाँ पर रखिए 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113। इस तरह से हमने मान रख लिए। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए वर्गांतर वाला फॉर्मूला ले जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर बटे 113 का स्क्वायर अंडर रूट 113 का स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर भी फॉर्मूला लग जाएगा माइनस करके 7 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर 1 स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 64 बटे 113 आ जाएगा, इसको हल करेंगे यहाँ पर 49 बटे 113 आ जाएगा। इस तरह से ये मान ज्ञात हो जाएंगे। अब इनको सरल कर लेंगे तो 113 माइनस 64 बटे 113, ऐसे यहाँ पर 113 माइनस 49 49 बटे 113, इनको कैंसिल कर दीजिए घटा दीजिए, और 113 में से जब 64 घटा देंगे ऐसे 113 में से हम कितने घटा देंगे 49 घटा देंगे, तो 113 में से जब आप 64 घटाओगे तो कितने आएंगे 49 आएंगे, तो ये आएंगे 49, और जब आप 49 घटाओगे तो कितने आ जाएंगे 64। तो इस तरह से ये आपकी वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हमें निकालना है सेकंड वाला खंड। सेकंड में देखिए काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछिए, तो आप देखिए काट की वैल्यू लिख लीजिए, काट की वैल्यू आप निकाल लीजिए, काट की वैल्यू जैसे मान लिया हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं इसकी काट की वैल्यू, तो काट बराबर फार्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, अर्थात बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। अब देखिए बेस हमारे पास कितना है 7x और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 8x है, तो हम वैल्यू रख देंगे दोनों की और हमारा मान निकल जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेना, और ये हमारे पास हो गया 7x बटे 8, एक्स एक्स कैंसिल कर दिया, इनका कर देंगे स्क्वायर तो 49 अपॉन 64। इस तरह से आपने दोनों खंड ये क्वेश्चन नंबर 7 के ये कंप्लीट करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नंबर 7 8 में देखिए क्या करना है, इसमें ये 3 cot a बराबर 4 दे रखा है, इसकी सहायता से दिए हुआ मान देखिए यहाँ तक इतना ये LHS है या RHS, हमको ये बताना है कि वास्तव में दिया हुआ मान सत्य है या नहीं। सत्य 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 का मतलब ये हुआ अगर ये बराबर है तो सत्य है और बराबर नहीं है तो असत्य है, तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो पहले 3 cot a बराबर हमने लिखा 3 cot a उसके लिए 4 cot a को 4 अपॉन 3 हो गया ठीक। अब आप cot की इनको अनुपात को अलग करना है तो cot बराबर आप फॉर्मूला वही लिख लो, क्या होता है cot बराबर लाल बटे कक्का से देख लीजिए, या आप HHB PBP से HHB उस तरह से आप देख लीजिए। तो जैसे इसका क्या होता है cot बराबर होता है लंब बटे आधार, टेन का होता है आधार बटे लंब हो जाएगा उल्टा, अर्थात बेस अपान लंब मतलब परपेंडिकुलर इतना। अगर हमने ये कोण ले लिया तो ये तो बेस हो गया ये वाले कोण के हिसाब से, ये क्या हो गया लंब और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूस अर्थात कर्ण हो गया। तो अब देखें जैसे cot a की वैल्यू हम निकालना है तो पहले तो आप देखिए 4/3 और ये हमारे पास देखिए बेस मतलब आधार कितना है ये भी है, परपेंडिकुलर लंब अर्थात BC है, तो हम अगर अब इस रेशियो को अलग करें तो AB बराबर हमें लिखना पड़ेगा 4x और BC बराबर कितना लिखना पड़ेगा 3x। अब हम इसको पाइथागोरस से निकाल लेंगे कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। AC की वैल्यू निकालेंगे AB का मान रखेंगे, AB का मान हमारे पास है 4x का स्क्वायर, BC का मान है 3x का स्क्वायर, वैल्यू रख देंगे इनकी तो ये हो जाएंगे 16x² प्लस के 9x² टोटल के हमारे पास कितने बन जाएंगे 25x² AC बराबर अंडर रूट 25x लिखेंगे और 25x² और इसका जब वर्गमूल ले लेंगे तो हमारे पास 5x हमको प्राप्त हो जाएगा, ये भुजा हमको 5x प्राप्त होगी। अब जिन मान को हमें रखना है इसमें पहले तो उन मानों को आप निकाल लीजिए, टेन का मान रखना है टेन बराबर क्या होता है आपका लंब बटे आधार होता है ठीक है,
लंबा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अब यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, बीसी है, ठीक, लंबटे आधार, आधार हमारे पास ए बी है। तो हम जानते हैं टेन ए की अगर हम वैल्यू रखेंगे तो टेन बी सी का मान देखिए कितना हमारे पास, बी सी का मान दे रखा है 3x, तो हम ये बी सी का मान 3x लिख देंगे। ए बी का मान हमारे पास 4x है और हमने 5x निकाल लिया, तो बी सी अपान मतलब 3x अपान 4x, तो 3 अपान 4 आया। मान लिया कॉस की वैल्यू रखनी है तो कॉस की वैल्यू भी निकालो आप, तो कॉस की वैल्यू निकालो, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण होता है अर्थात बेस अपान हाइपोटेनस होता है। तो बेस हमारे पास देखिए कितना है, 4x है, हाइपोटेनस 5x है, इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 अपान 5 रह गया, ठीक। तो कॉस ए की वैल्यू हमारे पास आई 4 अपान 5 आई, कॉस की वैल्यू निकाली आपने, टेन की भी निकल गई। अब साइन की वैल्यू रखने तो उसको निकालो, साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है अर्थात परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, लंब हमारे पास 3x है और ये 5x है, तो साइन ए की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आई, 3 अपान 5 आई। अब हम देखिए दोनों पदों को चेक करके बताना है कि वास्तव में हमारे सत्य हैं या असत्य हैं। तो देखिए इसको लेकर चल रहे हैं, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस टेन की वैल्यू देखिए कितनी है, 4 अपान 5 है, टेन की वैल्यू कितनी है, 3 अपान 5, 3 अपान 4 देखिए टेन की वैल्यू, तो 3 अपान 4 स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर वैल्यू पर भी स्क्वायर लगेगा 3 अपान 4 का स्क्वायर, ऐसे 3 अपान 4 का स्क्वायर। कॉस की वैल्यू हमने निकाली 4 अपान 5 तो स्क्वायर लगा हुआ है तो इस पर भी स्क्वायर लगेगा, साइन की वैल्यू 3 अपान 5 निकाली इस पर भी स्क्वायर लगा दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो 9 बटे 16 हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस के 9 बटे 16 यहाँ पर भी जाएंगे, यहाँ पर 16 बटे 25 लिखेंगे, यहाँ पर हमको 9 बटे 25 लिखना पड़ेगा, ऊपर लासा ले लो 16 में से 9 जाएंगे तो ऊपर बचेंगे 7 बटे 16, 16 9 इधर 25 हो जाएंगे तो 25 बटे 16 हो जाएंगे, इधर हर बराबर हैं तो ऊपर घटा दीजिए 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, 16 कैंसिल काट दिया, इधर 7 बटे 25 बचा, यहाँ पर भी 7 बटे 25 बचा, तो दोनों देखिए दोनों मान बराबर आ गए, LHS और RHS की वैल्यू इक्वल आ गई, इसलिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया, अर्थात ये दिया हुआ कथन हमारा कैसा है, सत्य है कि दोनों वैल्यू हमारे दोनों मान बराबर आ गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 9 में लिखे कर रखा है, इसमें त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण दे रखा है जबकि टेन ए का मान 1/√3 दे रखा है। क्वेश्चन में कहा है कि इनकी सहायता से दिए हुए दो खंड आपको ज्ञात करने हैं, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू निकालनी है, ऐसे कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखें टेन ए बराबर 1/√3 दे रखा है, अब टेन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है, अर्थात लंब हमारे पास परपेंडिकुलर आधार क्या होता है, बेस, इसको लिख लेते हैं। अब इस ट्रायंगल को देखिए, त्रिभुज को देखिए, जैसे मान लें टेन ए लेके चल रहे हैं तो टेन ए लेके चलेंगे तो आधार तुम्हारा ये ए भी बन जाएगा और लंब हमारा क्या बन जाएगा, बी सी बन जाएगा, शेष हमारा हाइपोटेनस रहेगा वो वही रहेगा, इसको परिवर्तित नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे लंब हमारे पास इस सिचुएशन में, टेन ए की सिचुएशन में लंब हमारे पास दे रखा है बी सी और आधार हमारे पास दे रखा है ए बी, इनको हमने पहले बताया अलग करना है, तो जैसे BC बराबर हमको करना है तो BC बराबर हमारे पास 1x अर्थात खाली x लिख देंगे, AB बराबर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, √3x, खाली √3 नहीं लिखेंगे क्योंकि अनुपात को लेते समय कोई ना कोई हम चर ले लेते हैं अनुपात को अलग करने के लिए। अब हमको निकालना क्या है, AB हमारा जो बेस हो गया वो √AB कितना आ गया हमारे पास, √3x आ गया और ये कितना आ गया x, हमको निकालना है कर्ण, तो पाइथागोरस लगा देंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या मान हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण हमको निकालना है, लंब हमारे पास देखिए कितना एक्स दे रखा है और आधार हमारे पास √3x दे रखा है, वर्ग कर लेंगे इसका, स्क्वायर कर लेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा
जब हम उनको टोटल करेंगे तो 4x² बन जाएगा, और जब हम एसी की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 4x², इसका स्क्वायर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2x आएगा। ये हमारे पास 2x प्राप्त हो गया। अब जिन पदों की हमको वैल्यू रखना है पहले तो उनको हम निकाल लेंगे। जैसे मान लिया हमको वैल्यू लिखनी है साइन ए की वैल्यू रखनी है पहले तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण, लंब है पी, कर्ण कितना है एच। तो यहाँ पर देखिए लंब हमारे पास एक्स दे रखा है, कर्ण है 2x, कैंसिल कर लिया और माना आया 1/2। ऐसे मान लिया हम कॉस ए की वैल्यू रखनी है तो कॉस ए की वैल्यू रखनी है तो कॉस ए भी आप याद कर लीजिए। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है, अर्थात आधार हमारे आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, आधार कितना है अंडर रूट 3 और कर्ण कितना है 2x, कितना आया अंडर रूट 3/2 आया। अब हमको ध्यान देने वाली बात क्या है, अब हमको निकालना है साइन सी की वैल्यू भी निकालनी है और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। अब जैसे देखिए हमारा कोण चेंज हो रहा है उसी हिसाब से आधार भी चेंज हो जाएगा। जैसे साइन सी निकालना है, अब क्या होगा जैसे आप साइन सी निकालोगे तो ये जैसे ही आपने सी कोण लिया अब आधार बन जाएगा बी सी, ये बेस आधार बन गया और लंब क्या बन जाएगा ए बी बन जाएगा। तो आप तुरंत फार्मूला लगाइए, साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, लंब देखिए क्या है अंडर रूट 3x हो गया, कर्ण हमारा वही रहेगा अंडर रूट 3/2। ऐसे कॉस सी निकालेंगे आप, आधार बटे कर्ण होता है, आधार देखिए अब क्या है एक्स और कर्ण क्या है हमारे पास 2x होता है तो 1/2। अब हम वैल्यू निकालेंगे, जैसे पहला खंड हमारे पास है हमको निकालना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो साइन ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं अंडर रूट 3/2, कॉस सी की वैल्यू भी हमने निकाल ली है कितनी है 1/2, और कॉस ए की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट 3/2, और साइन सी की वैल्यू भी हमने निकाली अंडर रूट 3/2। तो पहले तो गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद में देखिए ऊपर तो ये मल्टीप्लाई अंडर रूट 3/4 हो जाएगा, इनकी भी गुणा करेंगे तो प्लस के 3/4 हो जाएगा। अब क्या करना है देखो, एक जैसे पद आ गए हमारे पास तो हर तो एक जैसे हर समान है तो ऊपर अंडर रूट 3 + 3/4 हम कितने कर देंगे 4, क्योंकि जैसे आधार है तो ये आपका बन गया इतना मान, पहले वाले खंड का मान प्राप्त हो गया। इसमें देखिए इसमें इस क्वेश्चन में अभी जो हमने मान रखे थे साइन ए का मान हमारे पास 1/2 था, लेकिन यहाँ पर लिख गया था अंडर रूट 3/2, तो 1/2 रखिए इनको, तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब हम इनको जोड़ेंगे तो 1 + 3 हो जाएगा इधर, ठीक है, ये हमारे 4/4 आएगा, ये बन गया मान। इस तरह से पहले खंड का मान आपको 1 प्राप्त हो गया। सेकंड वाला जो मान है उसको भी हम क्या करेंगे इसी तरह से सभी वैल्यू रख लेंगे, हमारे मान निकल जाएंगे। जैसे मान लिया हमारे पास सेकंड वाला पार्ट है कॉस ए कॉस सी साइन सी साइन ए साइन सी, सबके मान रखेंगे। अब जैसे कॉस ए का मान अंडर रूट 3/2 है इंटू कॉस सी का मान देखिए 1/2 है, साइन ए का मान हमारे पास 1/2 है और साइन सी का मान हमारे पास अंडर रूट 3/2 है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3/4 बनेगा और यहाँ अंडर रूट 3/4 एक जैसे पर है, घटने पर ये मान क्या हो जाएगा 0। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में जो दो खंड थे आपको के दोनों खंडों को आपने हल किया, पहले का मान आपका 1 आया और सेकेंड वाले जो आप दे रखा है इसका मान कितना आया 0 आया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। टेन में देखिए क्या करना है, इसमें एक ट्रायंगल है त्रिभुज है पी क्यू आर, इसमें हमको पी क्यू भुजा दे रखी है, क्यू कोण 90 दे रखा है और इसी तरह से मान दे रखे हैं हमको, ठीक। निकालना क्या है, साइन पी कॉस पी टेन पी निकालना है, सिर्फ एक भुजा दे रखी है और शेष दो भुजाओं का योग दे रखा है। तो इसको देखिए इसको लगाने की टेक्निक क्या रहेगी, बड़ी आसान है। कैसे, आप देखिए पहले तो पाइथागोरस लगाइए इस त्रिभुज में, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो एक कर्ण की घात 2 बराबर हो जाएगा आपका लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2, ठीक है, पी क्यू और क्यू आर का स्क्वायर कर लिया हमने।
पीआर हमारे पास नहीं है। अब इधर देखिए, सिर्फ एक भुजा हमको दे रखी है, कौन सी, पी क्यू दे रखी है, तो क्यू आर उधर ले आओ, तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या रह गया, पी क्यू स्क्वायर रह गया। इधर देखिए सर, इसमें वर्गांतर लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो क्या लिख देते हैं, एक बार ए प्लस बी ए माइनस बी, अर्थात इनको हम लिखेंगे पी आर प्लस क्यू आर और पी आर माइनस क्यू आर, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक। और इधर हम इसकी वैल्यू कितनी रख देंगे, पाँच का स्क्वायर लिख देंगे। आप फार्मूला बता रहे हैं, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इस तरह से आपका फार्मूला बन जाता है। तो अब देखिए, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू दे रखी कितनी, 25 दे रखी है, तो हम यहाँ लिख देंगे 25, ठीक। और इधर ये पी आर माइनस क्यू आर ऐसे रहने दीजिए, ये हो गया 25। तो पी आर माइनस क्यू आर की जब वैल्यू निकालेंगे तो 25 के बटे में 25 पहुंच जाएगा, कैंसिल कर देंगे एक, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर एक, और इसको डाल दिया हमने समीकरण एक डाल दिया, तथा जो वैल्यू दे रखी है आपको इसको दो डाल दीजिए, पी आर प्लस क्यू आर इजिकल टू 25, इसको डाल दिए दो। अब इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, आपको हल करना है। तो हल करते समय देखिए, अगर इनको हम जोड़ लें, जोड़ेंगे तो देखिए क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो जाएगा और ये कितने हो जाएंगे, 2PR, इनको जोड़िए तो कितने हो जाएंगे, ये 26 हो जाएंगे। अब शेष मान हम इसका इधर निकाल देंगे तो हमारे पास में 2PR इक्वल टू 26 आ गया, इसको कैंसिल कर दीजिए, 13, तो PR का मान कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर आ गया। समीकरण एक से हम दूसरी भुजा निकाल लें, समीकरण एक में देखिए पी आर माइनस क्यू आर दे रखा है, पी आर का मान 13 बराबर कितना लिखा था, एक लिखा था, तो 1 क्यू आर 1 माइनस 13 हो जाएंगे, घटा दीजिए तो माइनस के 12, इसको काट दीजिए तो क्यू आर बराबर कितने आ जाएंगे, प्लस के 12 सेंटीमीटर। ये देखिए तीनों भुजा निकल गई, क्यू आर निकाल दी है, क्यू आर भुजा निकली है 12 सेंटीमीटर, और ये पी आर कितनी निकली है, ये 13 सेंटीमीटर की भुजा निकल गई। अब हमको मान क्या निकालना है, साइन पी का निकालना है, तो पहले मान लिया साइन पी का निकालना है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, कर्ण हमारे पास हाइपोटेनस। अब देखिए यहाँ पर पी के हिसाब से अगर हम एंगल पी लेके चलते हैं तो पी के हिसाब से आधार हमारा ये बन जाएगा बेस, लंब हमारा ये भुजा बन जाएगी, कर्ण हमारा यही रहेगा, तो लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, ये निकल गया। ऐसे मान लिया हमको कॉस पी निकालना है, तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार हमारे पास बेस कितना है 5 है और कर्ण कितना है 13 है। अगर मान लिया हमको टेन पी निकालना है तो लंब बटे आधार होता है फार्मूला, तो लंब देखिए यहाँ पर कितना है 12 दे रखा, तो पहले तो आप लिख दीजिए लंब परपेंडिकुलर आधार मतलब बेस, तो लंब हमारे पास 12 है और आधार कितना है 5। ये तीनों वैल्यू आपसे पूछी गई थी और उस क्वेश्चन में जो आपने